आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन तैयार कैसे करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, पावर पॉइंट ओपन करने के कई तरीके हैं। जैसे अभी हम सबसे पहले विन प्लस आर को प्रेस करते हैं, इसके बाद यहाँ पर पावर PNT टाइप कर देते हैं, फिर सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो फाइल ओपन हुई इस पर बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइटल और सब टाइटल लगा हुआ है। तो टाइटल का मतलब ये है कि इस बॉक्स में आप अपनी प्रेजेंटेशन की हेडिंग टाइप कर सकते हैं, और सब टाइटल में आप उसके बारे में लिखेंगे जो हेडिंग ऊपर टाइटल में दिया होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हम बिल्डिंग के कुछ रोचक तथ्य या इन्फॉर्मेशन तैयार करेंगे। तो देखिए इस टाइटल वाले बॉक्स में हम अपनी बिल्डिंग की हेडिंग मेंशन करेंगे। दोस्तों MS वर्ड पर हमने सब टाइप कर रखा है, बस केवल कॉपी पेस्ट करके आपको समझाएंगे। देखिए अभी हम अपनी वर्ड की फाइल पर आ जाते हैं। यहाँ से हम केवल इस हेडिंग को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद अपनी पावर पॉइंट की फाइल पर आ जाना है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इसका फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग कोई भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस पेज पर हम केवल हेडिंग को ही रखेंगे, बाकी फैक्ट नेक्स्ट स्लाइड पर मेंशन करेंगे। तो अभी हम इस पेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करना समझ लेते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हैं तो इसी स्लाइड पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी सेम उसी तरह की स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। फिलहाल अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। अगर आपको लेआउट चेंज करके स्लाइड को इंसर्ट करना है तो ऊपर देखिए न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 9 तरह के लेआउट आपके सामने आएंगे, इसमें से आप कोई भी लेआउट ले सकते हैं। जैसे अभी हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों इस पेज पर टाइटल नहीं रहेगा, अब यहाँ पर सब टाइटल और डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे अभी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि जो फैक्ट हमने तैयार किया है उसी से रिलेटेड फोटो भी लगाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सभी तरह के आइकन मिल जाएंगे। अभी हम इंसर्ट वाले इस आइकन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी फोटो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेना है। बस यहाँ पर देखिए इस फैक्ट से रिलेटेड फोटो भी लगा दिया है। अगर आपको इसके थीम वगैरह चेंज करना है तो ऊपर देखिए यहाँ से आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब चलिए कुछ शॉर्टकट भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कई शॉर्टकट हैं, जिसमें से पहला शॉर्टकट है Alt+I+N, यानी कि अभी हम Alt+I+N को प्रेस करते हैं। बस यहाँ पर देखिए न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। ओके, फिलहाल अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। दोस्तों न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की दूसरी हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+M, यानी कि Ctrl+M को प्रेस करने पर भी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट हेडिंग तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।